हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल जहां पर हम कर रहे हैं इजी ट्रिक्स के साथ आज का हमारा पहला वर्ड है लोनाटिक को हमने कैसे लर्न किया इंसान को हमने इंसान इंसेन इंसान ये इंसान पागल सा लगता है अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये इंसान पागल सा लगता है ये इंसान इंसेन सा लग रहा इनसान, इनसान. इनसान. है इंसान इंसेन नेक्स्ट है इंस्टीकेट इंस्टीकेट मीन्स उकसाना टू अर्ज टू डू सम एक्शन प्रोवोक स्टिम्युलेट स्टीयरअप इंस्टिकेट को हमने इंस्टीट्यूट गेट ऐसे लर्न कर लिया इंस्टीगेट इंस्टीट्यूट गेट इंस्टीट्यूट के गेट पर आकर मिल बार बार ये बोलकर वह उकसाने की कोशिश कर रहा है कि कोई दूसरे एक बंदा दूसरे लड़के को या दूसरे बंदे को ये कहकर उकसा रहा है तो तू तुम मुझसे मिल इंस्टीट्यूट के गेट पर आकर मिल फिर मैं तेरे को बताता हूँ तो यानी कि वो उससे उकसा रहा है उसे लड़ाई करने के लिए उकसा रहा है तो वो कह रहा है इंस्टीट्यूट के गेट पर आकर उसको क्या क्या कर रहा है उकसाने की कोशिश कर रहा है, है? इंस्टीगेट करने की कोशिश कर रहा है नेक्स्ट है इंटरलोक्यूटर इंटरलोक्यूटर मीन्स वार्तालाप करने वाला सब वन इन्वॉल्व इन ए कन्वर्जेशन इंटरोगेट इंटेरोगेटगेटर इंटेरोगेटर है यहाँ पे जो क्योंकि बात करने वाला है क्वेश्चनेर टॉकर अब इंटरलोक्यूटर को हमने इंटर और लॉक ऐसे लर्न कर लिया इंटरलोक्यूटर इंटरलॉक inter घर में एंटर करते ही उसने लॉक करके फोन पे वार्तालाप करना शुरू कर दिया यानी कि उसने जैसे ही घर से बाहर था वो जैसे ही उसने घर के अंदर एंटर किया पहले एंटर किया लॉक किया और फिर क्या करना शुरू कर दिया बातें करना शुरू कर दिया ये बातें करना शुरू कर दिया तो वो क्या है इंटरलोक्यूटर है वो बहुत ज्यादा बातें करने वाला है वार्तालाप करने वाला है वो इंटरलोक्यूटर है लोक्यूटर उसके बाद है इंटरमीडियंट इंटरमीडियंट मीन्स रुक रुक के not happening regularly or continuously recurring periodic ट को हमने तो इंटरमिशन से भी कर सकते हैं जैसे हम मूवी वगैरह देखते हैं तो बीच में इंटरवल आता है इंटरमिशन आता है तो कुछ देर के लिए रुक जाती है मूवी इंटरमिशन का मतलब होता है मूवी थोड़ी देर के लिए रुकना तो इंटरमिशन से हम इंटरमिटेंट याद कर सकते हैं या फिर आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर हम मान लो अपना वेट लूज करना चाह रहे हैं और हम जिम वगैरह नहीं जाना चाह रहे तो एक अच्छा अल्टरनेट ऑप्शन है इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि थोड़े थोड़े थोड़ा थोड़ा खाना रुक रुक के एक साथ टाइम एक साथ खाना ना खाकर बल्कि थोड़े थोड़े टाइम में खाना खाना उसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में रुक रुक के खाना खाना पड़ता है थोड़ी-थोड़ी नेक्स्ट -थोड़ी थोड़ है।, तो हम है।, है हमारा इंटरवाइंड 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 मीन गुथा हुआ इंटरट्वाइंड uh, होगा ये गुथा हुआ टू बी ट्विस्टेड टूगेदर कह सकते हैं हम इसको इंटरलेक्ड कह, कह सकते हैं मिक्स कह सकते हैं इंटर को हमने इंटर और विंड ऐसे लर्न कर लिया इंटर और टी को यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ से डब्ल्यू आई एन और ई को छोड़ दिया इंटरविंड कर लिया इसको विंड की वजह से हवा की वजह से पतंग की डोर एक दूसरे में गुथी हुई है हवा चलने की वजह से जो पतंग की डोर है वो क्या हो गई इंटर ट्विंट हो गई गुथ गई है एक दूसरे के अंदर यहाँ पे इंटर ट्विंट का मतलब उलझा हुआ नहीं कह सकते हम गुथा हुआ कह सकते है प्रॉपर मैनर में अगर गुथा हुआ होता है उसको हम इंटर ट्विंट कहते हैं नेक्स्ट है इंटिमिडेट इंटिमिडेट मीन्स डराना फाइटन थ्रेटन बुली करना अब इंटर इंटिमिडेट इंटर इंटीमीडिएट को हम क्या कहेंगे इंटिमिडेट को हमने लर्न किया अंतिम डेट अंतिम डेट आज की डेट तुम्हारी अंतिम डेट है यह कहकर उसने डराया कोई बंदा किसी किसी मान लो कोई बॉस है उसने अपने एम्प्लॉय को कोई काम दिया था कि उसने कहा था कि आज तुम्हारा लास्ट डेट है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए या कोई किसी ने किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं और उसने कहा कि आज लास्ट डेट है पैसे मेरे वापस कर देना तो इस तरह से उसने कहा कि अंतिम डेट है और ऐसा कहकर उसने उसको इंटीमिटेट किया उसको डराया नेक्स्ट है इंट्यूडर इंट्यूडर मीन्स घुसपैठिया वन हु एंटर ए प्लेस विदाउट परमिशन इंट्रूडर को हमने एंटर और डर इंट्रूडर एंटर डर घर में कोई डर डर के चुपके से एंटर करे तो उसे घुसपैठिया कहते हैं अगर कोई घर में चुपके से डर के एंटर कर रहा है तो क्या है इंट्रूडर है घुसपैठिया है उसके बाद है आयरनी आयरनी मीन्स विडम्बना मीनिंग अपोजिट बॉडी सरकास्टिक मैनर हम कह सकते हैं इसको आयरनी को हमने आयरन से रिलेट कर लिया आयरन और आयरन को भी जो आयरन करते हैं स्त्री करने वालों से हमने रिलेट कर लिया आयरन करने वाला आयरन करने वाले को ताना मारा जा रही है कैसी विडंबना है जो आयरन कर रहा है उसको भी लोग सुना रहे हैं और तो वो कैसी आयरनी है बहुत ही विडंबना है नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरिवोकेबल इरिवोकेबल को हम कह सकते हैं जो बदला ना जा सके इम्पॉसिबल टू चेंज इवर्सिब इरिवर्सिबल कह सकते हैं या हम इिपेयरेबल कह सकते हैं और इम्यूटेबल इम्यूटेबल हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं इम्यूटेबल को हमने किया था अम्मा की टेबल की जो अम्मा की टेबल है वो उनको दहेज में मिली थी तो वो उनको बहुत पसंद है उसको हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे कोई अल्टर नहीं करेंगे उसे हम बदल नहीं सकते वो उन्हें बहुत प्यारी है इम्यूटेबल अम्मा की टेबल तो इ रिव, को हमने अरे और वो कैब ऐसे लर्न कर लिया या इसको पढ़ लिया अरे और वो कैब ऐसे पढ़ लिया एग्जाम में वो कैब पूछी ही जाएगी पोर्शन है, है वह है जो बदला नहीं, नहीं जा सकता यानी कि वो कैब वाला पोर्शन ऐसा है जो बदला नहीं जा सकता वो कैब आएगी ही आएगी एग्जाम में इ है ये इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता नेक्स्ट है आइसोलेट आइसोलेट मीन्स अलग थलग करना टू प्लेस अ पार्ट और अलोन अब आइसोलेट को हम दो तरीके से लर्न कर सकते हैं एक तो हम इसकी स्पेलिंग अगर देखा आई सोलेट ऐसे भी लर्न कर सकते हैं आई सो लेट मैं इतना लेट हो गया था कि मुझे सभी ने अलग थलग कर दिया कि कोई ग्रुप डांस है या कोई ऐसी एक्टिविटी थी तो वो बहुत लेट पहुंचा इसीलिए उसको क्या कर दिया गया आइसोलेट कर दिया गया और बाकी सब अपना काम कर रहे हैं या फिर हम आइसोलेट से लर्न कर सकते हैं कि आइसोलेट कोरोना में बहुत ज्यादा ये वर्ड यूज हुआ था कि जिनको कोरोना हो जाता था उनको आइसोलेट कर दिया जाता था अलग कमरे में रखा जाता था अलग हॉस्पिटल में रखा जाता था आइसोलेट कर दिया जाता था तो ये वर्ड हमें वैसे भी याद है इसके बाद नेक्स्ट है जैक जैक भी कॉमन वर्ड है उठाना कि जैसे कई बार हम कहते हैं कि जैक लगा दो गाड़ी में जैक लगाकर उसको अगर पंचर हो जाता है तो गाड़ी में जैक लगाया जाता है जैक लगा के फिर उसको टायर को चेंज किया जाता है या कुछ भी गड़बड़ आ जाती है तो जैक का मतलब उठाना टू रेस समथिंग इंक्रीज द प्राइस ये हम बोल सकते हैं नेक्स्ट है जेम्बरी अब इसकी प्रनाउंसिएशन जैम्बरी है जैम्बरी का मतलब है जमावड़ा खुशी मनाने के लिए बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम जैम्बरी बोलेंगे लेकिन अगर हम इसको देखें अगर इसकी स्पेलिंग को देखें तो हम इसको पढ़ेंगे जमबोरी तो जम्बोरी पढ़ेंगे तो हम इसी से इसकी ट्रिक बनाएंगे जम्बोरी से लेकिन प्रोनाशियेशन जम्बरी है इसकी अब इसको हमने जैम और बोरी ऐसे पढ़ लिया जैम और बोरी जैम की बोरी देखकर जमावड़ा इकट्ठा हो गया यानी कि बहुत बड़ी बोरी जिसमें जैम भरा हुआ है जैम खाने वाला जो जैम होता है जिसमे हम ब्रेड पर लगा कर खाते हैं तो इतनी ज्यादा बोरी में जैम देखकर लोग इकट्ठा हो गए जमावड़ हो गए, या फिर हम इसको जम अब इसको अगर हम इकट्ठा पढ़े जैम बूरे, जम्बूरे ऐसे भी पढ़ सकते हैं जमूरे जैसे जो मदारी होता है खेल दिखाने आता है तो वो बोलता है ना जमूरे नाच के दिखाओ तो उसी तरह से जादूगर ने कहा कि चल जमूरे अब करतब दिखा क्योंकि अब लोगों का जमावड़ आ गया है तो जैसे उसने का, जमूरे कहकर शुरुआत की तो लोग सारे बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो इसको हम जम्बूरे से भी याद रख सकते हैं कि जम्बूरे कहकर उसने करतब दिखाने के लिए बोला अपने जो भी अपना जो बंदर था जो भी उसका पेट था उसको तो वहां पर लोग इकट्ठा हो गए जमावड़ इकट्ठा हो गया वहां पर नेक्स्ट है इसकी प्रोनाउंसिएशन है जेपरडी जेपरडी लेकिन इसको हम जियो और पारडी ऐसे लग रहा है ये कि जियो पारडी दिखने में ऐसा लग रहा है जेपरडी इसकी प्रोनाशिएशन तो हम इसको जियो पारडी ही पढ़ेंगे ट्रिक के लिए इसका मीनिंग है खतरे में इन डेंजर पेरिल अब जियो पार्टी को हमने जियो और पार्टी ऐसे लर्न कर लिया जियो पार्टी जियो की पार्टी आने के बाद बाकी सभी कंपनियां खतरे में जैसे जियो ने जियो लॉन्च हुआ उसके बाद से सभी जो इंटरनेट की जितनी भी कंपनियां है वो खतरे में है जियो पार्टी में जियो पार्टी लॉन्च होते ही सभी कंपनियां जियो पार्टी में आ गई हैं खतरे में आ गई है नेक्स्ट जिटरी जिटरी मीन्स परेशान घबराया हुआ नर्वस कह सकते हैं हम इसको एंक्स कह सकते हैं एजिटेटेड जिटरी को हमने याद किया जीत तेरी जिटरी जीत तेरी जीत तेरी, तेरी, तेरी होगी तू नर्वस मत हो जीत तेरी होगी तू जिटरी मत हो परेशान मत हो घबरा मत उसके बाद है जोवियल जोवियल मीन्स हसमुख गुड नेचर्ड चीयरफुल जोली हिलेरियस कह सकते हैं जो जोवियल को हमने जॉय ओल जोवियल, जॉय ओल जो सबको जॉय में रखे हुए हसमुख होता है जो जॉय में रखो रखे सभी को वो क्या होगा जोवियल होगा हसमुख होगा ये थे फिफ्टीन वर्ड्स एक बार जल्दी से इसके रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले है इंसेन इंसेन को हमने रिलेट किया था इंसान से कि इंसान पागल सा दिखाई देता है पागल इंस्टी ट को हमने लर्न किया था इंस्टीट्यूट के गेट कि वो बार बार उसको कह रहा है कि तू इंस्टीट्यूट के गेट पर आकर मुझे मिल तो ऐसा कहकर वो उसको उकसा रहा है लड़ाई के लिए तो उकसाना इसका मीनिंग था उसके बाद था इंटरलोक्यूटर इंटरलोक्यूटर को हमने रिलेट किया था इंटर और लॉक से कि घर में उसने जैसे ही एंटर और लॉक से किया था उसने घर में आया एंटर करते ही उसने लॉक किया और उसके बाद वो वार्तालाप करना शुरू हो गया तो इंटरलोक्यूटर है वार्तालाप करने वाला और उसके बाद है इंटरमीडियंट इंटरमीडियंट को हमने दो तरीके से याद किया था या तो हम इंटरमिशन कर सकते हैं कि जब मूवी देखने जाते हैं तो बीच में थोड़ा सा गैप आता है रुक, रुक रुक कर इसका मीनिंग था या फिर इंटरमीडियंट फास्ट फास्टिंग हम याद कर सकते हैं कि इंटरमीडियंट फास्टिंग करनी होती है अगर आप अपना वेट लूज करना चाह रहे हो विदाउट एक्सरसाइज तो इंटरमीडियट फास्टिंग करें यानी कि रुक रुक के थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक कर खाना खाएं उसके बाद था इंटरट्विंड ये इंटरट्विंड है यहाँ पर टी ओर आएगा इंटरट्विंड इंटर uh, ट्विंट को हमने इंटर और विंड ऐसे लर्न किया था कि विंड की वजह से पतंग की जो डोरी है वो एक दूसरे में गुथ गई है इंटर हो गई है उसके बाद था इंटीमिडेट इंटीमिडेट को हमने अंतिम डेट इंटीमिडेट को हमने अंतिम डेट से रिलेट किया था कि आज तुम्हारे इस काम की अंतिम डेट है ऐसा कहकर उसने उसको डराया तो डराना मीनिंग था उसके बाद था इंट्रूडर इंट्रूडर को हमने रिलेट किया था एंटर किया डर एंटर डर जो घर में डर डर के एंटर कर रहा है इसका मतलब क्या है वो घुसपैठिया है उसके बाद आयरनी आयरनी का मतलब है कि आयरन करने वाले जो लोग हैं जो हम आयरन करके देते हैं कपड़ों पर इस्त्री करके देते हैं उनको भी टोका जा रहा है उनको भी परेशान किया जा रहा है किसी बात के लिए तो ये एक विडंबना है उसके बाद था इरिवोकेबल इरिवोकेबल का मतलब हमने रिलेट किया था अरे वो कैब की एग्जाम में वो कैब वाला जो पोर्शन है वो तो आएगा ही आएगा इसको तो बदला ही नहीं जा सकता तो जिसको बदला ना जा सके आइसोलेट आइसोलेट का मतलब था अलग थलग कि आइसोलेट जो कोरोना हो जाता था उनको आइसोलेट उसके तो आजकल जैक लगाकर उसको ऊपर उठाया जाता है तो ऊपर उठाना इसका मीनिंग था जैक का उसके बाद था जैप्री इसका प्रोनसिएशन तो जैम्प्री है लेकिन इसको हमने जैम और बोरी पढ़ा था या तो या जम्बूरे पढ़ा था कि जैम की बोरी देखकर जमाव इकट्ठा हो गया या फिर जमूरे जो खेल दिखाने वाले के लिए जादूगर आया या मदारी आया तो जैसे उसने कहा कि जमपूरे अब खेल दिखा क्योंकि अब जमावड़ इकट्ठा हो चुका है अब शुरू कर दे खेल अपना उसके बाद था जयप्रडी इसका शन जय पार्टी है लेकिन हमने इसको जियो पार्टी पढ़ा था कि जियो की पार्टी जैसे ही आई है जैसे ही लॉन्च हुई उसके बाद सभी कंपनियां खतरे में आ गई हैं उसके बाद है जिटरी जिटरी को हमने जीत तेरी से रिलेट किया था कि जीत तेरी ही होगी नर्वस होने की जरूरत नहीं है तो नर्वस होना या परेशान होना इसका मीनिंग था उसके बाद है जोवियल जोवियल को जॉय और ऑल से रिलेट किया था कि उस जो सभी को जॉय में रखे जबकि सभी को खुशी रखे वह हसमुख होता है धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत BOOM